क्वेश्चन नंबर 27, सेवन अ सेल हैज 46 क्रोमोसोम एट ईच पोल इन माइटोटिक टीलोफेस माइटोटिक टीलोफेस की अगर बात की जाए तो मतलब ऑलमोस्ट साइटोकाइनेसिस चालू हो गया है मैं एक एनिमल सेल का एग्जांपल ले रही हूँ एनिमल सेल में यहाँ पर फरो बनने लग गया है और हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो टीलोफेज है उस टीलोफेज में यहाँ पर हर एक पोल पर फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम्स इधर भी आ गए हैं फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम्स इधर भी आ गए हैं तो इधर भी फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम है इधर भी फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम है ये है माइटोटिक टीलोफेस अब यहाँ पर बात की जाए तो सेल हैज़ 46 सिक्स क्रोमोजोम एट ईच पोल इन द माइटोटिक टीलोफेज इन दिस डिविजन नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स एट मेटाफेज इस यानी इसके पहले क्या आया होगा एनाफेज उसके पहले क्या आया होगा मेटाफेज एंड प्रोफेज तो प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टीलोफेज हमसे पूछा जा रहा है मेटाफेज के बारे में तो मेटाफेज में जो सेल्स हैं जैसा कि हम जानते हैं वो यहाँ पर किस तरीके से होंगी ये सेंट्रियोल्स ऑपोजिट पोल पर इनसे निकलता हुआ एस्टर रेस एंड स्पिंडल फाइबर और कुछ इस तरीके से क्रोमोसोम्स होंगे जो कि मेटाफेजिक प्लेट पर अलाइंड होंगे मेटाफेजिक प्लेट पर अलाइंट होंगे और इन क्रोमोसोम्स को अटैच करने के लिए स्पिंडल फाइबर आएगा ऑपोजिट पोल से जो कि यहाँ पर काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर को जोड़ेगा कुछ इस तरीके से तो बेसिकली ये एक मेटाफेजिक स्टेज है मेटाफेज है हमसे पूछा जा रहा है कि क्रोमोज़ोम अगर इधर 46, 46 थे तो डेफिनेटली इधर भी कितने होंगे 46 होंगे ये डायग्राम समझाने के लिए अभी कितने बनाए गए हैं चार क्योंकि 46 बनाना पॉसिबल नहीं है तो 46 क्रोमोसोम क्रोमोजोम मेटाफेज में भी होंगे और यहाँ पर क्रोमेटिड्स की बात की जाए ये एक क्रोमोजोम है इसमें ये एक क्रोमेटिड हो गया ये इसका दूसरा क्रोमैटिड हो गया तो एक क्रोमोजोम में दो क्रोमैटिड है 46 क्रोमोजोम में कितने हो जाएंगे 92। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 92। क्योंकि जो एक क्रोमोजोम है मेटाफेज का इस एक क्रोमोजोम में पाए जा रही हैं दो सिस्टर क्रोमैटिड्स। और क्योंकि हमारे पास मेटाफेज में हमने अभी कैलकुलेट किया कितने क्रोमोजोम्स आएंगे फोर्टी हर एक क्रोमोजोम के पास दो क्रोमेटेट तो 46 सिक्स क्रोमोजोम के पास 46 सिक्स इंटू टू यानी कितने हो जाएंगे 92 टू करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन सी